नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार अवैध जुआ और सट्टा व्यापार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते समस्त थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत लगातार इस गोरख धंधे पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को मिल रही अवैध सट्टा व्यापार की सूचना पर उन्होंने तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर उक्त सूचना की तस्दीक कर आरोपियों की पतारसी के निर्देश जारी किए हैं, जिसके पालन में टीम के प्रभारी उप निरीक्षक राकेश दामले और उनकी टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजगढ़ दंडोती एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ एनएस बेस के दिशा निर्देशों पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए थाना कुरावर की टीम के साथ मिलकर कुरावर क्षेत्र के लसुल्लिया रामनाथ में अवैध रूप से सट्टा का कारोबार कर रहे 5 लोगों को धर दबोचा। उल्लेखनीय है कि उक्त पकड़े गए आरोपी करीब 25 करोड़ से भी ज्यादा के लेन देन का सट्टा संचालित करते पकड़ाए हैं। पूरा मामला यह है कि सट्टा कारोबारियों पर दबिश देने हेतु टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए कुरावर के लसुल्लिया रामनाथ में मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर दबिश दी, जहां कृपाल खाती सहित 4 अन्य लोग मोबाइल एवं लैपटॉप के साथ क्रिकेट विश्व कप के मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा का कारोबार कर रहे थे, जिन्हें हमराह बल की मदद से पकड़ा। आरोपी कृपाल खाती के पास से एक लाइनदार का कागज का रजिस्टर, जिसमें ग्राहकों का 1,04,51,920 रुपए हिसाब लिखा हुआ, नकदी 4,880 रुपए, एक पुराना इस्तेमाली चाकू हालत में मोबाइल, एक लीड पेन कुल कीमती 14,880 रुपए समक्ष पंचान विधिवत जब्त किया गया। सभी का अपराध धारा 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से समक्ष पंचान विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा घटनास्थल से भागने का हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद पुलिस टीम की सतर्कता से अवैध गोरख धंधे में लिप्त उपरोक्त 5 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अवैध सट्टा कारोबार के विरुद्ध मिली इस सफलता में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के प्रभारी उप निरीक्षक राकेश दामले, उप निरीक्षक पवन भदौरिया, सह उप निरीक्षक सुनील शर्मा, प्रभारी आरक्षक कैलाश दांगी, आरक्षक मोइन अंसारी, आरक्षक पुनीत पराशर, आरक्षक केशव, आरक्षक विकास यादव, आरक्षक राकेश मंडेला, आरक्षक शादाब खान, आरक्षक नवीन सिंह एवं साइबर सेल से आरक्षक शशांक सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त टीम द्वारा की गई प्रशंसनीय कार्यवाही पर उचित इनाम देने की घोषणा की गई है। आजकल जो पैसा है वो फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें इनके अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और वो अकाउंट के जितने ट्रांजैक्शंस हैं, हमने सभी ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया और उसके बाद हम जो इनका बैंक डिटेल्स हैं उसको परसू करेंगे और इनके बैंक डिटेल्स के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखेंगे। जो कृपाल खाती है, इससे एक रजिस्टर जब्त हुआ है जिसमें करीबन 1,04,51,000 रुपये का हिसाब लिखा हुआ है। इसमें इसका एक पुराना मोबाइल भी है और एक नया मोबाइल है। इसके साथ साथ जो हमारे पास नितेश साहू है, इसके पास से करीबन 82,000 रुपये का हिसाब जब्त हुआ है, इसका रजिस्टर जब्त हुआ है, इसके मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो सब हमने जब्त किए हैं। इसके साथ विकास वर्मा के साथ से हमारे पास 2,16,700 रुपये का हिसाब जब्त हुआ है, इसका भी हमने रजिस्टर जब्त किया है और कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजेक्शन बैंक में हैं और उनके ऐप पर हैं वो हमने जब्त किए हैं। नितेश अग्रवाल से एक रजिस्टर जब्त हुआ है जिसमें करीबन 2,00,000 रुपए का इसी तरह का हिसाब रखा हुआ है। इसके साथ साथ इसके पास से एक HP का लैपटॉप है, वो भी हमने जो इसी गैम्बलिंग के लिए ये लोग यूज़ करते थे वो जब्त किया है। इसके अतिरिक्त इन सभी के मोबाइल जिसमें जिसके थ्रू ये ऐप चलाते थे और जिसके थ्रू ये इस तरह का पैसा ट्रांजेक्शन करते थे, इसमें अचंभे वाली बात ये है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और टेक्निकली कॉम्पिटेंट भी हैं। इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने साइबर सेल की टीम को, क्योंकि इन्होंने अपने फ़ोन पर पैरेलल क्लाइंट्स इस्टेब्लिश कर रखे थे जो क्लाइंट्स हिडन थे और इनको ज्ञात करना बहुत मुश्किल था। हमारे साइबर सेल की टीम ने इससे बहुत मेहनत करी है। पैरेलल क्लाइंट का आशय ये रहेगा कि सेम क्लाइंट एक व्हाट्सएप ही अपने नॉर्मल फ़ोन पर चला रहे हैं और उसी में बैकग्राउंड में एक हिडन क्लाइंट पर एक व्हाट्सएप और चल रहा है या फेसबुक और चल रहा है या ऐप चल रही है, जिसके थ्रू ये इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं। ये हम लोगों ने इनका पूरा जो पिछला हम बता रहे हैं 1,28,00,000 रुपए का जो अकाउंट है उससे रिलेटेड जो इनकी चैट्स हैं वो सब हमने जब्त किए हैं, इनके फ़ोन हमने जब्त किए हैं
इसके साथ साथ इनके अकाउंट डिटेल्स और जिस तरह का ट्रांजैक्शंस इनकी ऐप पर होता था उस सब की डिटेल्स कॉरस्पॉन्डिंगली जो बैंक के डिटेल्स हैं उसको मिला के जब्त किया है। इसी के साथ साथ इनके रजिस्टर्स को जब्त किया है जिसमें इन्होंने इस तरह का हिसाब अपना लेक किया है। ये पूरे अपराध को खुलासा करने में जो हमारी टीम थी वो SDOP राजगढ़ और SDOP नरसिंहगढ़ के मार्गदर्शन में काम करती रही। इसमें सब इंस्पेक्टर राकेश दामले, पवन भदौरिया, SI सुनील शर्मा, कैलाश दांगी, मोइन अंसारी, विकास यादव, राकेश मंडेला, शादाब खान, नवीन सिंह, केशव। इसमें आरक्षक पुनीत, केशव और शशांक सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने इसमें पूरा असूचना का और जो साइबर एनालिसिस है उसका काम किया है। अभी हम आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से इस घटना को अंजाम देते हैं। खबर समय जगत के लिए कुरावर से देवनागर की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।